नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस। जी हाँ साथियों, आप सबको पता ही होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस बैन लगा दिया गया है 14 दिन के लिए, दो हफ्ते के लिए। जी हाँ, क्या रीज़न है, क्या माजरा है, खास तौर से बता दूँ, यूएई के लिए इस पर बैन लगा है। एयर एशिया एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा यूएई के बोलते हैं ना चक्कर लगा रहे थे, यानी सबसे ज़्यादा लोग इसी की फ़्लाइट लोगों ने बुकिंग की थी, सब कुछ इसी का हुआ था, लेकिन ऐन वक्त पे इस पर बैन लगाने की वजह से लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ। जी हाँ, नुकसान ऐसे हुआ कि इधर से जाने वाले लोगों ने फ़्लाइट बुक की, उधर से आने वाले लोगों ने फ़्लाइट बुक की, अचानक से इस पर बैन लग गया 15 दिन के लिए। बता दूं तो आपको पता है क्या होने वाला, भाई फ़्लाइटें तो कैंसिल होंगी, लोगों के मतलब प्रॉब्लम होने वाली, या वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है बड़ी प्रॉब्लम की, वो हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने बोला है कि भाई आपके पैसे सुरक्षित हैं, आगे आप उसमें यात्रा कर सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने दी है। लेकिन ये मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ, बैन क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, अफवाहें भी उड़ रही हैं, लेकिन सच्चाई के साथ हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक्चुअली में मैंने एक वीडियो बनाया था लगभग एक महीने पहले, कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पहुंचा एयरपोर्ट, उसमें से काफ़ी सारे जो हालांकि ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होते जो हाई लेवल के माइंड के होते हैं, हालांकि वो लेवल उनका जीरो होता है, कोई दिमाग नहीं होती, जीरो लेवल के होते हैं, लेकिन वो अपना ज्ञान झाड़ देते हैं कमेंट में नीचे आके। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोरोना निगेटिव पॉजिटिव आदमी पहुंच ही नहीं सकता एयरपोर्ट पे, डॉक्टर उसको जाने कैसे दिया, वो जा ही नहीं सकते, उनको रिपोर्ट मिल ही नहीं सकती, वगैरह वगैरह। लेकिन जी हाँ साथियों, इसी की वजह से दो बंदों को एयर एशिया एक्सप्रेस ने पॉजिटिव बंदों को दुबई पहुंचा दिया, इसी वजह से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। 15 दिन के लिए एयर एशिया एक्सप्रेस को बैन किया गया है। दुबई सिविल एविएशन ने डीसीसीए ने उनको बैन किया। जी हाँ साथियों, सोचने की बात है, कितनी गंदी बात है यार, ये 15 दिन के लिए बैन कर दिया एयर एशिया एक्सप्रेस में। अब माजरा हुआ क्या बता दूं मैं, दो बंदे, एक हमारे राजस्थान जयपुर से, एक दिल्ली से, जो दोनों कोरोना पॉजिटिव थे, सोचने की बात है, दोनों को कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से दुबई पहुंच गए। जी हाँ, वहां पे उनकी जांच की गई तो कोविड पॉजिटिव थे, रिपोर्ट भी उनके पास पॉजिटिव थी, शायद ऐसा है, हालांकि पॉजिटिव रिपोर्ट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया कि रिपोर्ट पॉजिटिव लेके पहुंच गए, लेकिन बंदे दोनों पॉजिटिव थे, वहां पे पॉजिटिव पाए गए दो बंदों की। एक बता दूं इसमें डेट 4 सितंबर को दिल्ली से और 28 अगस्त को जयपुर से। जी हाँ साथियों, दोनों बंदों को वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए और एयर एशिया एक्सप्रेस के ये यात्री थे। अब आप सोचिए जी, कितना बड़ा नुकसान होता है, ये पॉजिटिव आदमी जिन लोगों के पास में बैठे थे, क्या उनको भी कर सकते थे ना पॉजिटिव, हालांकि ऊपर वाले की दया रही कि उनके पास में जो बैठे थे उनकी जाँच की गई, वो निगेटिव पाए गए, उनमें कोई कोविड पॉजिटिव सिम्टम नहीं पाए गए, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, वरना तो वो सबको ले बैठते एयरप्लेन के अंदर जितने भी बंदे। हालांकि एयर एशिया एक्सप्रेस ने सफाई दी है कि जो दो बंदे के पास में जो यात्री बैठे थे उनका कोरोना का टेस्ट किया गया है, उनका टेस्ट नेगेटिव आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी हमने जो यात्रियों ने, हमारे जो कर्मचारी उन्होंने लापरवाही की है, उनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है। सख्त कार्रवाई की है, अब क्या किया है हमें नहीं पता भाई, सख्त कार्रवाई क्या होना यार, नौकरी देखो, मेरी राय ये है कि ये बहुत बड़ी ये गलती नहीं है, ये गलती से भी बड़ी गलती है यार, एक पॉजिटिव आदमी को एरोप्लेन में बिठा देना 150 लोगों के साथ में, तो कितने लोगों का जीवन खराब हो सकता है, इसमें सोचने की बात है, उसमें बच्चे भी हो सकते हैं, उनका क्या भविष्य है भाई, तो उनको नौकरी से निकाल के उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए। मेरी राय ये कि मुकदमा चलेगा ना तब उनको समझ में आएगा, ताकि उन्होंने गलती कर दी लेकिन औरों के लिए सबक बन जाए, वो गलती न करें, क्योंकि ये गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी गलती है ये। हालांकि दुबई एविएशन की तरफ से बोला गया कि भाई जो भी इस प्लेन में जितने भी कोई यात्री थे, उनको कोई प्रॉब्लम कल को हो जाती है तो इनकी जिम्मेदारी एयर एशिया एक्सप्रेस की रहेगी, वो इनको खर्चा देगी, जितने भी यात्रियों का अगर कोई मेडिकल क्लेम आता है, तो उन्होंने हाँ करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, गलती तो किए देना पड़ेगा। तो बस ये जानकारी आपको देनी थी, अभी न्यूज़ निकल के ये भी आ रही है, दुबई और इंडिया से आने जाने यात्रियों की लगभग 6,000-6,500 के करीब माइग्रेशन इन आउट, आउटबाउंड और इनबाउंड हो रहा है। जी हाँ, इंडिया से जाने वाले और दुबई से आने वाले लगभग 6,000-6,500 यात्रियों का आदान प्रदान हो रहा है। तो बस ये जानकारी देनी थी साथियों, 15 दिन के लिए बैन। हालांकि एक न्यूज़ फेक न्यूज़ भी चल, एक मैं देख रहा था ऑनलाइन आर्टिकल की, एक दिन के लिए बैन लगा और दुबई एविएशन ने वो हटा दिया, बैन हटा दिया, कैसे हटा दिया भाई, 15 दिन की सजा है तो सजा भुगतनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे, फिर तो कोई गलती कर लेगा ऐसे तो। बाकी एयर एशिया एक्सप्रेस की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि उनका बयान नहीं आया कि भाई हमारे ऊपर
15 दिन का जो नोटिस मिला था उसको हमने अमल में लाते हुए हमारे वो जो 15 दिन का बैन था वो हटा लिया गया, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है ये, बाकी 15 दिन के लिए ये बैन ही रहेगा। जी हाँ, बस ये जानकारी देनी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।